इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन एनी ऑफ टू सर्कुलर ऑर्बिट अनलेस एन अल्टर फोर्स एक्टिंग टुवार्ड्स द सेंटर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दो टाइप की बात हुई। सो पहली बात थी ये न्यूक्लियस है नीचे कीजिए ना और ये फर्स्ट ऑर्बिट है ठीक। अब इस सर्कुलर ऑर्बिट पे आर डिस्टेंस पे यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है। सो यहाँ पे दो फोर्स करेगा, एक फोर्स इधर के तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे अगर आप इसका चार्ज बोलिएगा तो चार्ज जो है इसका जेड ई के बराबर, जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन और चार्ज है इलेक्ट्रॉन के बराबर। सो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। सर स्लाइड थोड़ा नीचे कीजिए ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, ये के जेडी, ये जेडी किसका चार्ज है, न्यूक्लियस का। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज ई के बराबर डिवाइडेड बाय, अगर ये आर डिस्टेंस पे है तो आर स्क्वायर के जेडी इंटू ई आर स्क्वायर, क्यू वन इंटू क्यू टू आर स्क्वायर। आप इसको लिख पाएंगे जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक चीज आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, फर्स्ट ले लेते हैं और दूसरा है अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, तो एफ इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एम ई भी नहीं देते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पढ़ने में इक्वेशन, एम बी स्क्वायर बाय आर डिस्टेंस को, ये है फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है। ठीक, तो ये दो टाइप का फोर्स है सर, एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और दूसरा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो अवे फ्रॉम द सेंटर है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अगर m m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और r जो है इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है। सो ये एट्थ पॉइंट जो बोला है बोर्स ऑर्बिट में, जो एट्थ पॉइंट बोला गया है, इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एक एटम है जो कि स्टेबल है, ये तभी पॉसिबल होगा जब एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल होगा के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के, ये बात हो सकता है जब दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा, ना तो वो न्यूक्लियस में गिरेगा और ना ही उसका सेल वो बाहर जाएगा, क्या बोलते हैं, ठीक बोलते हैं ये चीज, क्लियर है ये? ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन एक आ गया, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें, यहां से आ जाएगा, इस आर को अगर आप कैंसिल कर लीजिएगा तो एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइनल, इसको आप इक्वेशन थर्ड कर दीजिए। और आपको फ्रॉम बोर्स पोस्टलेट्स, फ्रॉम बोर्स पोस्टलेट्स क्या पता है, बोर्स पोस्टलेट्स से एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, ये डन है? यस सर। अभी चीजें चाहिए आपको, वेलोसिटी चाहिए या रेडियस चाहिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए बस इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इसको फोर्थ ले लेते हैं, इसी दो की जरूरत पड़ती है, थर्ड और फोर्थ की जरूरत पड़ेगी। हाँ सर, सर जेडी क्या है, क्या एक बार फिर से बता सकते हैं, क्या कौन सा है जेडी? जेड ई, अच्छा जेड ई क्या है, जेड ई है न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज, अगर कोई एटम है जिस एटम का मान लो एटम सोडियम, तो सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 11, तो इसके न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज कितना होगा, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, बस यही कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, यही फर्क है ना, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होता है ना, तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है सोडियम के न्यूक्लियस में, तो टोटल चार्ज 11 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा, टोटल चार्ज न्यूक्लियस पे प्लस में, नहीं आया समझ में? यस सर, अंडरस्टूड। इतना बड़ी बात नहीं है, एक प्रोटॉन पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही तो चार्ज होता है अपोजिट साइन के साथ, और कितने प्रोटॉन है, दैट इज इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन इज टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, तो ये चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं Q2, Q1 इज जेड के जेड ई, Q2 इज ई, जेड ई स्क्वायर, डन। सो ये दो मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करके आप बोर्स मॉडल का सारा चीज कैलकुलेट करते हैं। सो पहला है हमारा कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट,
रेडियस का कैलकुलेशन कर, आप क्या करिए इसी तीन और चार फोर्थ थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का यूज करना है। आप क्या करिए कि फोर्थ इक्वेशन से वी का वैल्यू निकाल लीजिए आर के टर्म्स में और उसको थर्ड में पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फोर, फ्रॉम इक्वेशन फोर। एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पर, सो वट इज वी, वी इज इक्वल टू एन एच बाय टू इन टू एम बी सॉरी एम आर, हो गया क्या एम आर, पुट इट इन टू इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ पे वी के जगह पे इसको पुट कीजिए तो एम बी स्क्वायर कितना लिखेंगे, ये वी का वैल्यू आप पुट कीजिए थर्ड में, इक्वेशन नंबर थर्ड एम बी स्क्वायर एन एच बाय टू पाई एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर, यही है क्या इक्वेशन, देखिए के जेड स्क्वायर बाय आर सॉल्व कीजिए, एक ही आर है जो निकल जाएगा आपको, ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर पाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर, इस R से इसका स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, इस M से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि यहाँ पे एक R बचा ना, इस R को उधर ले जाइए, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई के जेड स्क्वायर, चेक कीजिए तो हम ठीक लिखे हैं कुछ गड़बड़ किए हैं, चेक कीजिए जरा, इतना ही होगा क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर पाई के जेड स्क्वायर होगा ना, यस सर, यस सर। अब देखिए चीजें कितना टफ दिख रहा है, चीजें कितना आसान है, आपको कैसे याद रखना है चीजों को, बोर्ड पोस्टलेट्स पूछता है आपके इलेवेंथ स्कूल एग्जाम में, ये सब डिराइव करना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए, जब आप डिराइव करने जाएंगे ना तो आपको ऐसे पोस्टलेट्स नहीं कहेंगे, तो आप जब डिराइव करते जाए करने के लिए जाएंगे बोर्ड रेडियस का इक्वेशन, तो आप ये assumption लेंगे कि let n atoms having nucleus atoms, कोई एक atoms consider करेंगे having charge on the nucleus is z into e, ठीक है, an electron is r distance from the nucleus moving with a velocity v, इतना चीज consider कर लेंगे, then photo बना लेंगे, then electrostatic force of attraction f kz square by r square, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर बाय आर, इतना चीज आपको याद रखना चाहिए, दोनों फोर्स को इक्वल कर लेंगे, एम बी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर, एम बी स्क्वायर इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर। अब ये मैथ्स है, ये याद रखने वाली चीज नहीं है, ये तो याद रहेगा ना आपको, ये तो आराम से सॉल्व कर लेंगे ना, बस इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे, केवल के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एम बी स्क्वायर बाय आर, ये प्रॉपर याद रहना चाहिए आपको, दोनों को इक्वल करके आप सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब ये एक इक्वेशन आपको मिल जाता है और एक इक्वेशन बोर्ड पोस्टलेट से आता है, ये पोस्टलेट्स तो आपको याद रखना ही है हार्ड एंड फास्ट, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई, क्या था पोस्टलेट्स, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट वेयर द, क्या कोई नहीं पढ़ाई किए हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल कंजर्व, इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट वेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या कंजर्व, तो एंगुलर मोमेंटम इज एम बी आर, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, एन इज इंटीजर, एन इज एनी इंटीजर, तो इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फैक्टर एच बाई टू पाई, क्लियर है, तो ये तो पोस्टलेट्स है, ये तो रटना ही है हमें, तो एक एम बी स्क्वायर इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर आया और एक एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से सारे रिलेशन आते हैं, तो हमें ये दोनों करने हैं। अगर हमें एग्जाम में सिर्फ पूछता है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्ड्स ऑर्बिट, क्या करना है, फोर्थ वाले पोस्टुलेट्स वाले पॉइंट से जिसका वैल्यू हमें जिसका इक्वेशन निकालना है उसको छोड़ के दूसरे वाले अननोन को आप रिप्लेस कर लो, वी का वैल्यू निकालो थर्ड में पुट कर लो, आर का एक्सप्रेशन आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर पाई के जेड स्क्वायर, अब इतना बड़ा इक्वेशन तो आपको याद रहेगा नहीं हमेशा,
ये तो आप सॉल्व कर सकते हो, 2-3 मिनट लगेगा आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्या सब चीजें अननोन है। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। के क्या है? के है आपका सर 1/4 pi epsilon naught, ये कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ऐसा यूनिट। पाई क्या है? फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। जेड क्या है? सॉरी जेड को छोड़ दो। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो बचा क्या? एन और जेड, ये दो चीज इस इक्वेशन में है जो आपको ऐसे दिख रहे हैं। तो भाई रेडियस जिस किसी भी एटम का कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो नाम देगा ना एटम का कि इस एटम का रेडियस निकालो, तो जेड वहां से मालूम लगेगा। और किस सेल का रेडियस पूछ रहा है वो सेल नंबर देगा ना, कि दूसरे सेल का रेडियस, तीसरा सेल का रेडियस, फोर्थ चौथा सेल का रेडियस, पहला सेल का रेडियस, तो एन देगा ना। तो ये जेड और एन का वैल्यू अगर मुझे दे तो बोर्स रेडियस आप निकाल सकते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड होता है। तो आप या तो हाइड्रोजन के जब हम वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे सारे कॉन्स्टेंट का, एच का वैल्यू रखते हैं, पाई का वैल्यू रखते हैं, के का वैल्यू रखते हैं, ई का वैल्यू रखते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रखते हैं, और हम इसको सॉल्व करते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट, ऑन Substituting the value of all constant, okay? सारे कॉन्स्टेंट का जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, वी गेट आर इज इक्वल टू 0.529 × n² / z एंगस्ट्रॉम। क्लियर? ठीक है ये चीज। चलिए अब हमारे इम्पोर्टेंट ये है, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा, क्योंकि वो चीजें हम रख नहीं सकते हैं, उस चीजों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और अगर मुझे एक्सप्रेशन पूछेगा तो 1-2 मिनट में हमेशा सर डिनोमिनेटर में एक एम एम रिमेन होगा। यस यस, कहीं छोड़े हैं क्या हम? बिल्कुल होना चाहिए, स्क्वायर केवल कैंसल हुआ है, सो डिनोमिनेटर में एम छोड़ दिए। वेरी गुड, 4 pi KM होगा। देखो आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हैं, 4 pi K और m, बिल्कुल होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, देख रहे हैं? ध्यान से नहीं लिख रहे हैं सब लोग, बस एक एक लोगों को पता चला, हमेशा गुड। यहाँ पे तो हम इस m से इसका पावर कैंसिल किया, नहीं तो m स्क्वायर है ना, तो एक m बचेगा ना, सो n² h² / 4 pi KM z² तो ये एक्सप्रेशन रटा नहीं जा सकता है लॉन्ग टाइम के लिए, ये जब भी होगा आपको 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा आपको, कैलकुलेट करके आप मैच कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट रेडियस का इस फॉर्म में इक्वेशन पूछा है तो। नहीं पूछा है तो क्वेश्चन हमारा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारा इससे बनता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका होमवर्क ये है कि सर ये जो वैल्यू आया है 0.529 n² / z इन एंगस्ट्रॉम, इसमें आपको सारे वैल्यूज को रख के सब्स्टिट्यूट करके देखना है, और यहाँ पे आप वो वैल्यू लिस्ट करिएगा कि आपने h का वैल्यू क्या रखा, आपने k का वैल्यू क्या रखा, क्योंकि यूनिट का खासा ध्यान रखना होगा यहाँ पे, आपने m का वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रखा, आपने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रखा, और तो कोई वैल्यू नहीं, आपने पाई का वैल्यू कितना रखा, पाई तो खैर कांस्टेंट है, इसमें तो कोई यूनिट वाली बात है नहीं, है ना, ये तो आप 22.7 रखिए या 3.14 जो भी रखना है वो रखिए, तो ये तो पाई तो कांस्टेंट है, इसमें तो यूनिट का चक्कर नहीं है, वो तो उतना ही रहेगा। लेकिन एच के एम ई ये जो देख रहे हैं आप, ये यूनिट का प्रॉब्लम है। तो अगर आप एंगस्ट्रॉम में ये रेडियस ला रहे हैं तो ये इसका क्या क्या वैल्यू हमें रखना होगा, ये आप रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू वेरीफाई करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे कि कैसे आएगा ये क्या क्या वैल्यू है। ये आपका होमवर्क डन, यूनिट क्लियर होगा कि क्या कैसे कहाँ रखा जाता है, क्या क्या वैल्यू रखा जाता है। क्लियर है सर? यस सर। सो नेक्स्ट क्लास में आप बताएंगे कि एच का वैल्यू आपने किस यूनिट में रखा, के का वैल्यू क्या रखा, एम का वैल्यू क्या रखा, और कैसे आपको ये 0.529 आता है। क्लियर? चलिए छोटा छोटा एप्लीकेशन क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट, कैलकुलेट द रेडियस
ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बोर्ड सर्विट फॉर हाइड्रोजन एटम। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बोर्ड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। कैसे करेंगे देखिए, हाइड्रोजन एटम अगर दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एटम मींस जेड इज इक्वल टू वन। डन ओके। हमें एन इक्वल टू वन के लिए निकालना है बोर्स रेडियस। आर वन कितना होगा 0.529 इनटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर 0.529 एंगस्ट्रॉम। एन इक्वल टू आर टू इक्वल टू 0.529 इनटू टू स्क्वायर सॉरी नॉट जेड स्क्वायर टू स्क्वायर बाय वन इज इक्वल टू हाउ मच एंगस्ट्रॉम 2.116 होगा। 9 4 36 6 आएगा यहाँ पे ठीक है। n इक्वल टू 3 आर 3 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बाय 1। 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये आएगा आपका समथिंग 4.761। क्लियर है ये बात। चलिए क्वेश्चन नंबर। यस सर। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो of third board orbit third board orbit of beryllium 3 plus ion and fifth board orbit of लिथियम 2 प्लस आयन। क्या करेंगे कैलकुलेट आप लोग। एटॉमिक स्ट्रक्चर ज्यादा लंबा जा रहा है क्या बोल रहे हैं सर? एटॉमिक स्ट्रक्चर ही चल रहा है। 2 वीक्स हो गए क्या कंप्लीट? नहीं हुए सर। 2 वीक्स कहाँ हुए कंप्लीट? 1 वीक और 6 हुआ। एटीन टू 20 लेक्चर्स तो आएंगे ना इसमें यार कम से कम। अभी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू हुआ है। बोर्स मॉडल तो स्टार्टिंग है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। जितना क्वेश्चन आप क्लास में कर रहे हैं मोर देन सफिशियंट है। इसके बाद आपको बनाना है तो आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक दिए है ना कौन सा? एक तो करियर पॉइंट से जो भी आपको मिलेगा मॉड्यूल शायद मिल जाएगा बाद में तो वो तो चीजें वो सॉल्व कर सकते हैं आप। नहीं अगर इंतजार नहीं करना है तो बालाजी पब्लिकेशन नरेंद्र अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर जेई मेंस पूरा का पूरा प्रॉब्लम बुक है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस करिए आराम से उस बुक को लेकर के। थोड़ी उससे ज्यादा इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। आया इसका आंसर?
रेडियस रेशियो है श्वेता, तो एंगस्ट्रॉम में तो आएगा नहीं। देखिए प्रोसेस से जाएंगे ना तो बड़ा इजी चीज पड़ता है। क्या है? कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+। तो जब भी आप कभी बेरिलियम 3+ के लिए डील कर रहे हैं तो आप ये बताइए इसके लिए Z कितना लेंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, N का वैल्यू थर्ड बोर ऑर्बिट के लिए निकालना है तो R3 कितना होगा बेरिलियम का, 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4। जेड का तो स्क्वायर नहीं होता है, दिस मच एंगल। और किसके लिए निकालना है, लिथियम 2+ के लिए। तो लिथियम के लिए जेड कितना लेंगे, 3। एंड कौन से ऑर्बिट के लिए, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए, तो एन इक्वल टू 5। सो R5 क्या होगा, 0.529 इंटू एन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। यस करेक्ट, 25 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये जेड दिस मच एंगस्ट्रॉम। तो व्हाट इज R3 बाय R5, यही तो निकालना है। कितना इजी है, ऐसे इजी क्या होगा सर, 9/4 इंटू 3/25, सो 27/100। दैट्स इट। इतना टाइम क्यों लगेगा, अभी तक एक लोगों का आंसर आया है, सदा का आंसर 1/4 आया, श्वेता फाइनली आंसर बताई 27:100। इतना टाइम लगने वाला क्वेश्चन था क्या, प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं। कैलकुलेट सर्कमफेरेंस डायामीटर एंड एरिया ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट फॉर बेरिलियम 3+ आयन। क्या इसको होमवर्क कर दें, क्योंकि आप लोग ज्यादा टाइम लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। बोलिए क्या करें, क्वेश्चन नंबर 4 अगले क्लास में मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप लोग लिख लिए थे क्वेश्चन, ये लिखना है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ रेडियस ऑफ फिफ्थ बोर्स ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन इज एक्स, देन कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड बोर्ड और बोर्स ऑर्बिट ऑफ हीलियम
प्लस आई इन टर्म्स ऑफ एक्स कीजिए कैलकुलेट इसको. इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है सो इट नॉट टेक मच मोर टाइम. पिछला जो क्वेश्चन था उसमें बहुत सारा फाइंड आउट करना था. सर्कमफेरेंस है अब पहले रेडियस निकाल के फॉर्मूला करेंगे तो वो थोड़ा सा लेंदी था टाइम टेकिंग था तो मैंने होमवर्क कर दिया. इसमें इतना सारा कैलकुलेशन नहीं है तो आप इसको करिए यहाँ पे बताइए कितना होगा आंसर. आया किसी का? करेक्ट. उसी का आंसर आया श्वेता. परफेक्ट वैल्यू कैसे आएगा जब आपको एक्स के टर्म में निकालना है. रेडियस ऑफ फिफ्थ गोल्ड सॉर्बिट ऑफ लिथियम क्या है? लिथियम 2+ आया इज एक्स. सो लिथियम 2+ जब आप बोलेंगे इसका मतलब है सर जेड इज इक्वल टू 3 एंड एन इज इक्वल टू फिफ्थ बोर्ड ऑर्बिट बोल रहा है तो 5. सो व्हाट इज रेडियस? आर 5 आर एन इज इक्वल टू आर 5 इज इक्वल टू 0.2 इनटू एन स्क्वायर बाय जेड. सो 25/3 क्लियर. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये R5 का वैल्यू हमें कितना गिवेन है क्वेश्चन में? X गिवेन है. R5 इज इक्वल टू X. सो 0.529 इज इक्वल टू 0.529 इनटू 25/3 इज इक्वल टू X. सो यहां से इसका वैल्यू निकाल लीजिए X के टर्म में. 0.529 इज इक्वल टू 3x/25. क्या चलेगा? नहीं चलेगा. चलेगा ना? फर्स्ट कर लीजिए. दूसरा क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है कि एक्स के टर्म में निकालना है थर्ड बोर्ड ऑर्बिट हीलियम प्लस. ओके, सो हीलियम प्लस के लिए जेड इज इक्वल टू 2 एन इज इक्वल टू थर्ड बोर्ड ऑर्बिट. सो व्हाट इज आर 3? 0.529 into n square by z.
अब इसका वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, व्हाट इज आर थ्री इन टर्म्स ऑफ एक्स, 3x by 25 into 9 by 2, आ रहा है बात समझ में? So ये हो जाएगा 27x by 15. थर्ड बोर्ड ऑर्बिट का हेलियम प्लस आयन का थर्ड बोर्ड ऑर्बिट का रेडियस रेडियस इन टर्म्स ऑफ x कितना हो जाएगा? 27x by 15. आता है बात समझ में? बोलिए. स्वयं का आंसर आ गया श्वेता सिंह. ओके रिलेटेड ग्राफ. आप बताइए कि अगर nth ऑर्बिट का रेडियस Rn वर्सेस 1 बाय जेड का ग्राफ खींचा जाए तो क्या होगा? nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर इनटू 1 बाय जेड ही तो होता है. अब rn जो है जब n कांस्टेंट लेंगे, सर प्लीज स्लाइड अप, अमीशा कहाँ फंस गए, ये लीजिए. नहीं आया समझ में, कॉपी करना पड़ रहा है. बस इस 0.529 के टर्म्स में वैल्यू रख निकाल के यहाँ पे रख दिए. डन हुआ? यस सर. यस सर. तो क्या लिख सकते हैं इसको आप? y इज इक्वल टू mx लिख सकते हैं. तो सर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, n कांस्टेंट होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा किसी टाइम पे. सो ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बात सही है गलत है बोलिए? कुछ गड़बड़ लग रहा है तो बताइए. अगर हम लोग रेडियस वर्सेस जेड का ग्राफ खींचे तो कैसा होगा? हमारा इक्वेशन वाई इक्वल टू एम इंटू वन बाई एक्स, एम बाई एक्स का ग्राफ होगा क्या? इसका ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. नहीं पता तो जान लीजिए, केमिस्ट्री में मोस्टली यही दो ही ग्राफ आते हैं, एक स्ट्रेट लाइन एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सो इसका ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा. क्लियर? नोट क्लियर? सर फर्स्ट ग्राफ में ये क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. सर स्लाइड थोड़ा नीचे कीजिए. फास्ट हो रहा है क्या? सर रेक्टेंगुलर के बाद क्या लिखा हुआ है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला.
क्लियर है यहाँ तक? बड़े आगे? यस सर। यस सर। चलिए सो क्या लगता है आपको, अगर यहाँ पे हम लोग इस एक्सिस पे आर एन लें और इसका ग्राफ एन स्क्वायर के अगेंस्ट देखें, जेड कांस्टेंट लेके, जेड कांस्टेंट, किसी भी एक एटम के लिए, किसी एक एटम के लिए अगर हम आर एन वर्सेस एन स्क्वायर का ग्राफ खींचे तो कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन, फिर से वही इक्वेशन यार, आर एन इज इक्वल टू 0.529 बाय जेड इंटू एन स्क्वायर, तो यही हुई ना, क्या बोलते हो? बाय टू नहीं, बाय जेड है ये। अगर आप आर एन वर्सेस एन का ग्राफ खींचेंगे तो कोई बताएंगे? ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है क्वाड्रेटिक का, क्योंकि ये वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। लेते कीजिए डन। सो नेक्स्ट चीज है रेडियस कैलकुलेशन के बाद कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट। In a given orbit, calculation of velocity of electron in a given orbit. ठीक है? Let's say ये nucleus है, ये first cell है, okay? Not एक ओके, फोटो पिक्चर इज नॉट ओके सर। कोई बात नहीं, सर्कल नहीं है बट आपको सर्कल ही समझना है, ठीक है? इधर लेते हैं, इधर बढ़िया सर्कल लेते हैं। सो आर डिस्टेंस पे यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है और ये वी स्पीड से मूव कर रहे, चलेगा? ठीक है ये चीज। अब जरा समझिए क्या काम है अपना। एक तो फिर से वही एजम्पशन वाली बात, एजम्पशन से लेके चलिए आप, क्या क्या दो इक्वेशन हम लोग थर्ड और फोर्थ इक्वेशन क्या लिखे थे उससे आप काम चला सकते हैं। क्या काम सर? एक इक्वेशन क्या था बताइए, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई आर, ठीक लिख रहे हैं हम? ये इक्वेशन नंबर थर्ड था, बोलिए था ना। और इक्वेशन नंबर फोर क्या था बताइए, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू। तो अगर भी का एक्सप्रेशन आपको चाहिए तो क्या करिए, फोर्थ से आप आर निकाल दीजिए, फोर्थ को सॉल्व करिए, आर निकाल दीजिए, आर इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई एम भी, और ये वैल्यू थ्री रख दीजिए, इजी है ना। एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय एन एच नीचे आ जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा टू पाई एम वी, एम से एम कैंसल, वी स्क्वायर से वी कैंसल, देखिए वी इज इक्वल टू टू पाई के जेड स्क्वायर बाय एन एच। चेक कीजिए तो कुछ मिसिंग है या सही है, टू पाई के जेड स्क्वायर बाई एन एच, क्या यही इक्वेशन है? इजी है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना एंथ ऑर्बिट का, किसी भी एंथ ऑर्बिट में। सो यहां भी जब आप हर चीज का, सारे कॉन्स्टेंट का वैल्यू रखिएगा
on substituting the value of all constant, we get what we get? V is equal to 2.18 into 10 raised to the power 8. यहाँ देखिए into में z by n है. Unit is centimeter per second. फिर से आपका homework same है. आप check करेंगे ये value कैसे आता है, क्या रखना है, सेंटीमीटर पर सेकंड में इतना आता है या नहीं आता है. हाँ सर बोलिए. सर 2 × 18 × 10 के पावर 8 है क्या? 2.18 × 10⁸, 2 है वो, 2 नहीं है, 2.18 × 10⁸ × z/n सेंटीमीटर पर सेकंड. अब ये वैल्यू आप कोशिश करिए बयान हर लार याद करने का, क्योंकि होता क्या है कि बोर्स रेडियस का इतना यूज करते हैं, इतना क्वेश्चंस आपको मिलेगा ना बोर्स रेडियस का कि वो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रहता है, बट वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे तो ये फॉर्मूला आप भूल जाएंगे बाद में. तो इसीलिए पहले कोशिश करिए इसको बढ़िया से याद रखने का, याद करने का. समझ रहे हैं बात? Calculate velocity of electron, the velocity q, velocity of electron in third Bohr orbit of in third Bohr's orbit of Li2+I. करिए तो वेलोसिटी ऑफ इन थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन. सो लिथियम 2+ के लिए जेड कितना? 3 एंड n कितना? थर्ड बोर ऑर्बिट मींस 3. कंप्लीट सर. व्हाट इज v? 2.18 × 10⁸ × 3/3. सो यही आंसर हो जाएगा 2.18 × 10⁸ सेंटीमीटर. करेक्ट. चलिए थोड़ा सा इसमें इंक्रीज कीजिए चीजों को. सेकेंड, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ Be3+ आयन इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट. ये कैलकुलेट कीजिए जरा, इसका सही सही आंसर चाहिए सबसे हमें. यू टेक टाइम बट इसका आंसर निकालिए. कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ Be3+ आयन इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट. और कुछ नेटवर्क इशू के कारण मेरा थोड़ा सा पार्ट छूट गया, क्या आप स्लाइड अप कर देंगे?
कर लेंगे हम लोग क्लास कंप्लीट होने के बाद, थोड़ा वेट करिएगा, आप बाहर मत जाइएगा। ओके सर। ये आप भी बताइए कौन सा स्लाइड है, कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन, आप बताइए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पॉज है मीटिंग। कौन सा कहाँ से छूटा है सर? वो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जहाँ आप सर्कल बना रहे थे ना। ठीक है ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए। हो गया? नो सर, वो तो दिख ही नहीं रहा है। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है? नो सर। क्या दिख रहा है फिर? फिर से फ्रीज हो गया क्या मेरा? सर वो तो वही दिख रहा है जो मतलब अभी तक था। नाउ ओके, यस सर, दे दीजिए स्क्रीनशॉट। अमीशा, डन, आंसर रॉन्ग है। खुशी ऑलमोस्ट, खुशी का आंसर करेक्ट लग रहा है, चेक करते हैं। चलिए हो गया ना स्क्रीनशॉट, ये ले लीजिए, इससे आगे दूसरा स्क्रीन yes, लेना हो तो ये ले लीजिए। चलो ठीक, देखिए यहाँ पे क्या एरर हो सकता है। चलिए यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, इसमें जो चेक करना था आपको वो था कि सर बेरिलियम 3+ इसके लिए जेड का वैल्यू 4 और एन का वैल्यू कितना रखे हैं बताइए, एन का वैल्यू कितना रखे हैं स्वयं? बोलिए एन का वैल्यू कितना रखे हैं? एन इज इक्वल टू, आंसर नहीं आया यार, आप लोग नहीं बताए आंसर, 6। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, नॉट फिफ्थ स्टेट, बस इतना सा कैच था और सब लोग गलती किए, सो सैड। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स सेकेंड सेल, सो एन इज इक्वल टू 6, सो आपको सिक्स्थ सेल में वेलोसिटी निकालना है, that is 2.18 into 10 to the power 8. क्या लिखते हैं बताइए फॉर्मूला, z by n, so what is z, 4 by n कितना 6, ये 2 ये 3, आप इसको कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.44 into 10 raised to the power 8 centimeter per second। कौन लोग किए थे n इक्वल टू 6, कितने लोग लिए थे बताएंगे? सर खुशी, n इक्वल टू 6, हाँ खुशी का आंसर अप्रोक्सीमेटली क्लोज क्लोज था बिल्कुल।
कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी स्वयं एन इक्वल टू सिक्स नहीं लिए थे ना? नहीं सर, फाइव लिए थे। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ वेलोसिटी। फाइव फाइव समथिंग आ रहा है। क्वेश्चन को छोटा छोटा करवा रहे हैं। ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फिफ्थ बोर्स ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम थ्री प्लस आयन टू थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन करे इसको वेलोसिटी ऑफ बेरिलियम थ्री प्लस इन विच ऑर्बिट फिफ्थ ऑर्बिट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ हीलियम प्लस किस ऑर्बिट के लिए थर्ड ऑर्बिट के लिए ये रेशियो निकाल दो। ओके तो कांस्टेंट तो ऐसे ही कैंसल होगा आपको लिखना है तो लिख लीजिए 3.18 इनटू 10 रेस टू द पावर 8 इनटू फिफ्थ के क्या लिखते हैं जेड वाई एन लिखते हैं सो जेड कितना बेरिलियम के लिए 4 एन कितना 5 डिवाइडेड बाय 2.18 हीलियम के लिए जेड कितना 2 एन कितना 3 हो गया सो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा सर ये हो जाएगा 4/5 इंटू 3/2 रिवर्स कर लीजिए 3 कैंसिल नहीं होगा 2 2 जा 4 होगा 6/5 होगा आता है बात समझ में नहीं आता है सो अब क्या होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी से रिलेटेड जो आपको टर्म्स देंगे अगर आप भी कैलकुलेट कर लिए तो आप मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो एमवी का फॉर्मूला से अगर आप भी कैलकुलेट कर लिए तो आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो इससे एमबीआर से लेकिन कभी भी कोशिश मत करिएगा इसके थ्रू जाने का क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाता है एमबीआर जब भी कैलकुलेट करने के आप एन बाय करने का कोशिश करिएगा इसको मत करिएगा कैलकुलेट किया जा सकता है बट बहुत लेंथी होगा नहीं करिएगा कभी कैलकुलेट एमबीआर से मत जाइएगा एनएच बाय 2 पाई बेटर है एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो एनएच बाय 2 पाई बेटर है डन काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है सो हाफ एम वी स्क्वायर सो वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ ये इक्वेशंस हो सकते हैं ओके अगर आपसे पूछता है nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वी एन वर्सेस जेड का ग्राफ कैसा होगा बताइए अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर और कैसा होगा एन कांस्टेंट लेना पड़ेगा आपको बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये अच्छा टी वर्सेस वन बाय एन का ग्राफ ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन ऑर्बिट और वन बाय एन लेंगे तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड कांस्टेंट ले लीजिए श्वेता 5:6 क्यों किए आप रिवर्स ले लिए या 5:6 ही आएगा हम लोग उल्टा लिए क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वी वर्सेस एन वी वर्सेस एन का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलिए स्लाइड थोड़ा नीचे ना डाउन करना है
सर स्लाइड थोड़ा नीचे कीजिए ना। अब कितना नीचे करना है स्लाइड? नीचे और थोड़ा नीचे। वेलोसिटी टर्म से तो है, न्यूमेरिकल भी नहीं किए। ये लीजिए, अभी तक कैलकुलेशन नहीं किए हैं सर। कर लिए वो कैलकुलेशन। ये कैसे? डन। सो वेलोसिटी का कैलकुलेशन साक्षी सिंह, एनोटेशन रिक्वेस्ट डिक्लाइन। सो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस और कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, ये दो चीज डन हुआ। यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी बोर्स ऑर्बिट। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ an electron in any Bohr's orbit. So इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलेशन, ठीक। थोड़ा सा आप लोग एक बार एनसीईआरटी से इसको देख लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी बोर्स ऑर्बिट, मोस्ट इंपोर्टेंट कैलकुलेशन है ये। सो आज के क्लास में आधा अधूरा करने ही करेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आज रेडियस का कैलकुलेशन, वेलोसिटी का कैलकुलेशन, नेक्स्ट क्लास एनर्जी का कैलकुलेशन, उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके बाद डायग्राम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना। तो अभी तो शुरू ही हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर। कोई प्रॉब्लम बोलिए। कोई दिक्कत नहीं आज, आज के क्लास से रिलेटेड? चलो ओके, धराधर 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 सब निकल लिया। ओके थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।